हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। ओके ग्रेट, दैट मीन्स आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। और जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन। हाउ, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी हैव 38 पीपल ज्वाइनिंग। ओके दैट्स रियली नाइस, वी आर हैविंग आवर ऑडियंस इंक्रीजिंग। इसमें मैसेज आते रहेंगे। आई गेस वी कैन स्टार्ट। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू सर्टन इंट्रोडक्शन। कुछ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी आप सबको। मैं हूँ कविता बरेडिया, साड़ी ड्रेप आर्टिस्ट, फूड ब्लॉगर एंड फैशन डिज़ाइनर। आज हम सीखेंगे साड़ी ड्रेपिंग के ऊपर। मेवाड़ सखी का बहुत बहुत आभार कि उन लोगों ने मेरे को आज यहाँ पे आमंत्रित किया। दे हैड इन्वाइटेड मी ओवर हियर फॉर दैट पर्पस। सो रियली थैंक यू मेवाड़ सखी, थैंक यू टू मीनाक्षी जी स्पेशली। एंड लेट्स गो अहेड। अच्छा, बिफोर हैंड मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी है। जो जितना शेयर करेगा मेरे को और मेवाड़ सखी को टैग करेंगे शेयर में, उनके लिए है गिफ्ट वाउचर्स। और आज जो मैं ड्रेप आप सबको सिखाने वाली हूँ, उस ड्रेप में आप अपनी एक फ़ोटो भेजेंगे मेवाड़ सखी के ग्रुप में, और हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे बेस्ट 2 को।
हम देने वाले हैं मेवाड़ सखी की तरफ से बहुत ही प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट। सो लेट्स गो अहेड। Okay, now we'll start. We have 54 plus people over here, and aap sab share kariye aage se aage taki aur bhi log jud sake. Before I start my session, main aap sabko kuch baatein batana chahti hu ki logo ko generally lagta hai ki jo sari draping hai, sari jo pehna hai, wo purana ho gaya, like abhi trend mein nahi hai. बट साड़ी एक ऐसा अटायर है, एक ऐसी ड्रेसिंग है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड हो ही नहीं सकती। इट्स ऑलवेज इन ट्रेंड। ज़रूरत है इसको एकदम डिफरेंट स्टाइल से और अच्छी स्टाइल से पहनने का। एक और प्रॉब्लम सबको होती है कि हमें साड़ी पहनना नहीं आता है, और अगर पहनते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज हम जानेंगे कैसे प्रोग्राम के पहले हम साड़ी को प्री ड्रेप कर सकते हैं बिना सुई धागे के। कोई भी साड़ी जब हम यूज़ करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, उसमें लिमिटेड यूज़ ऑफ सेफ्टी पिन होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ये टू वे इंटरेक्शन नहीं है, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो रही है सुनने में या कोई भी चीज़ में, प्लीज़ आप मैसेज करिए ताकि हमें पता चले, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन हेल्प यू आउट एंड वी कैन टेक अप डिफरेंट एक्शंस। सो जैसे कि मैंने कहा कि साड़ी ड्रेपिंग आप प्री ड्रेप कर सकते हो, लिमिटेड यूज़ ऑफ सेफ्टी पिन बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, पार्लर सलॉन्स में भी हमने देखा है, वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी पिन हमारे साड़ियों में, लहंगे में डाल देते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आर फैब्रिक। तो साड़ी को लिमिटेड यूज़ ऑफ सेफ्टी पिन के साथ हम आज आपको बताएंगे कि कैसे करना है, साड़ी का केयर कैसे करना है। जब हम भारी कांजीवरम वगैरह ले आते हैं, हमें उसको रखना चाहिए एक पाउच में। बड़े बैग्स आते हैं कपड़े के बने हुए, हमेशा उन बैग्स में साड़ी को रखिए। उससे क्या होता है, साड़ी हमारी साड़ी की लाइफ ज़्यादा रहती है। कांजीवरम, बनारसी, इन सब साड़ियों को सिंगल रख के, मतलब एक के ऊपर एक रखना है, बट उसके ऊपर भी एक कपड़ा रखिए और फिर दूसरी साड़ी रखिए, और कोशिश करिए हर 6 महीने में उसकी जो फोल्डिंग है उसको चेंज कर दें। इससे क्या होती है, हमारी साड़ी में वो लाइंस नहीं होती हैं और लाइफ उसकी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक के ऊपर बैग्स ना रखें, साड़ी इससे कटती है और ख़राब होती है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरली हम जब साड़ी पहनते हैं, हम कोई भी सेफ्टी पिन जो भी मार्केट में अवेलेबल हम ले आते हैं, साड़ी जैसे ज्वेलरी है, हम ज्वेलरी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तरीके से रखते हैं ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो। कोई भी साड़ी 10,000 के नीचे मिलती नहीं है। मैक्सिमम रेंज गोज 60-70 एनीथिंग, बट मिनिमम रेंज जो अच्छी साड़ी प्योर फैब्रिक होती है 10,000 जरूर होती है। तो उन्हें भी इक्वली अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ अच्छी होती है। और बोलते हैं ना, कपड़े की कीमत अगर हम करेंगे तो कपड़ा हमारे ऊपर और अच्छा लगेगा। ये एक सेफ्टी पिन है। अच्छा, मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि कौन सी सेफ्टी पिन हमें यूज़ करनी चाहिए। आप देख सकते हो ये सेफ्टी पिन में नीचे एक राउंड शेप बना हुआ है। ये क्या होता है, इससे हमारी साड़ी जो है सेफ रहती है, और इसमें एक लॉक सिस्टम है। ये देखिए, एक लॉक सिस्टम है। तो हेवी से हेवी साड़ी ये सेफ्टी पिन जो है हैंडल कर लेती है और वो साड़ी ख़राब होने नहीं देती है। नॉर्मल सेफ्टी पिन जब हम यूज़ करते हैं, इसी लॉक के अंदर वो फंस जाती है एंड हमें प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज़ सेफ्टी पिन जो हमारे लिए साड़ी के लिए अच्छा हो। तो दिस इज द सेफ्टी पिन दैट आई सजेस्ट यू कि आप यूज़ करिए। नाउ ये लॉक होने से क्या होता है, जब आप हेवी साड़ी इसके अंदर डालते हो, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये सेफ्टी पिन को खोल दिया।
अब आपने हेवी से हेवी साड़ी, मैं आज आपको दिखाऊंगी हेवी साड़ी भी हम कैसे वेयर कर सकते हैं। हेवी से हेवी साड़ी जब इसके अंदर हम पुट करते हैं, ये बंद करते हैं, लॉक ऐसे बंद कर देते हैं, इसके बाद हमारी सेफ्टी पिन कभी भी खुलेगी नहीं, तो एकदम सिक्योर्ड हो जाती है हमारी साड़ी। तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस टाइप ऑफ सेफ्टी पिन। जब हम नेट की साड़ी यूज़ करते हैं तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि नेट की साड़ी जो है इनके अंदर फंस जाती है। तो सोचिए अगर इस सेफ्टी पिन में फंस जाती है तो नॉर्मल सेफ्टी पिन में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेट की साड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास एक बहुत इजी आइडिया है, इसके अंदर आप डाल सकते हो पर्ल। कई बार क्या पर्ल अवेलेबल नहीं होती, या जहां हम गए हैं वहां पर्ल रखा हुआ है लेकिन कहां रख दिए पता नहीं है, तो उसका भी एक ऑप्शन है। नॉर्मल फॉइल पेपर लिया मैंने, आप अगर किसी होटल में भी हो कहीं पे भी हो फॉइल पेपर टिश्यू पेपर ज़रूर मिल जाएगा। ये मैंने नॉर्मल फॉइल पेपर लिया, ऐसे जस्ट राउंड बना दिया और हम इसके अंदर इस ढंग से अंदर डाल लेंगे, तो इससे हमारी साड़ी और भी सेफ हो गई। नेट के दुपट्टे, नेट की साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, सेफ एंड सिक्योर रहेगी। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। ओके, अब आप बोलोगे कि जब हम साड़ी का पिन, साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं तो हमें बार बार पिन लगानी पड़ती है ताकि हमारी साड़ी का प्लीट्स प्रॉपर हो सके, इससे हमारी साड़ी में छेद हो जाते हैं, साड़ी ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ पिन्स को लिमिटेड यूज़ करिए, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कैसे लिमिटेड यूज़ ऑफ पिन्स के साथ हम साड़ी को अच्छे से अच्छे एकदम स्टाइलिश तरीके से ड्रेप कर सकते हैं। तो प्लीट्स बनाते वक्त हम क्या करें, ये जनरली सबके घर में होता है, हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की कपड़े की ये पिन जो होती है वो यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है क्वालिटी थोड़ी अच्छी लीजिए, इससे हमारी साड़ी में कोई मतलब मार्क नहीं आएगा और साड़ी फटेगी भी नहीं। ये पिन हम लेंगे और उसकी हेल्प से हम प्लीटिंग करेंगे या साड़ी को हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो पिन वहीं लगाएंगे जहां हमें सिक्योर करने के लिए ज़रूरत है, अदरवाइज प्लीटिंग करने के लिए हम इन पिन्स का यूज़ करेंगे ताकि हमारी साड़ी एकदम सही सलामत रहे, सेफ रहे। आगे भी मैं आपको और टिप्स बताऊंगी, उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं एक साड़ी का स्टाइल। ओके, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, कि आप अपनी पुरानी साड़ियों को भी यूज़ कर सकते हो। मैं आज आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या पहना है। मैंने एक नॉर्मल स्कर्ट ली है, जनरली जो वेस्टर्न वेयर में हम स्कर्ट पहनते हैं, मैंने वही एक बेज कलर का सिंपल स्कर्ट पहना है। उसके ऊपर जो मैंने ब्लाउज बनाया है वो क्रॉप टॉप स्टाइल में ब्लाउज है। आपकी जो पुरानी साड़ियाँ हैं उसको आप मिक्स एंड मैच करके पहनिए। जनरली क्या करते हैं, कांजीबरम बनारसी या जो भी हेवी साड़ीज होते हैं उनका खुद का ब्लाउज हम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, वो साड़ी एकदम एक जैसी लगती है, उतना स्टाइलिश लुक नहीं देता है। तो इट्स माय सजेशन, उससे क्या होता है, बात नहीं, उससे क्या होता है हमारी साड़ी जो है, आई एम सॉरी कोई बीच में, जस्ट गिव मी वन मिनट, आई थिंक ग्रे। उससे क्या होता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में ऑब्जेक्ट्स मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो साड़ी को मिक्स एंड मैच करके आप पहनिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आज ये जो ब्लाउज पहन रखी हूँ ये पीच एंड पिंक की कॉम्बो में है और इसके अंदर पर्ल का वर्क किया हुआ है। आज इसी साड़ी में मैं आपको रेड कलर की साड़ी, सॉरी इसी ब्लाउज में रेड कलर की साड़ी, ब्लू कलर की साड़ी, ऑरेंज कलर की साड़ी, आई विल शो यू कि इसी पर्टिकुलर ब्लाउज के साथ हाउ मेनी टाइप ऑफ साड़ी यू कैन वेयर। सो वील गो हैड एंड वील सी स्लोली लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी देयर। डेनिम के साथ आप साड़ी पहन सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक स्कर्ट के ऊपर आज साड़ी पहन रही हूँ, उसके ऊपर मैंने ब्लाउज डाला है जो क्रॉप टॉप लुक देता है। दैट मीन्स वॉट, आप एक जो शॉर्ट शर्ट होते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो साड़ी के ऊपर। डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, हमें अपना आर्टिस्टिक लुक, अपनी जो डिज़ाइनिंग लुक है उसको इम्प्रूव करना है। तो ब्लाउज यू कैन वेयर एनीथिंग, मिक्स एंड मैच करके ब्लाउज पहनिए, सेम ब्लाउज मत पहनिए साड़ी का, उससे आपकी साड़ी बहुत अच्छी आएगी। आप अपने जो पुराने हेवी टिश्यू के लहंगे हैं उनको भी यूज़ करिए और उनके ऊपर जो आज मैं ड्रेप दिखा रही हूँ उसको भी पहन सकते हो। यानी आज जो मैं ड्रेप बता रही हूँ उसको आप लहंगे के ऊपर पहन सकते हो, उसको आप इवन ऐसे सिंपल स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ है, कोशिश करिए क्रॉप टॉप में साइड ऐसे स्लिट करते हैं, उससे क्या होता है बल्जिंग नहीं होता है और ये जो साड़ी ब्लाउज जो होते हैं ऐसे बीच से टर्न नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टाइल मैं आपको दिखा रही हूँ आज। ओके,
बिफोर दैट आई स्पीक अबाउट प्री ड्रेप. आप ये देखिए, ये जो साड़ी है ये बनारसी है, हेवी बनारसी है, कपड़ा भी इसका काफ़ी स्टिफ है. इस साड़ी को मैंने प्री ड्रेप कर लिया है. इसको इसी ढंग से हैंगर में रख कर आप अलमीरा में लगा सकते हो, अपने सूटकेस में इसी ढंग से आप प्लेस कर सकते हो. तो आपकी साड़ी हो गई प्री ड्रेप. तो इसको प्री ड्रेप कैसे करना वो मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने ड्रेप ये देखिए इस ढंग से प्री ड्रेप किया है, और इसको इस ढंग से हम सूटकेस में भी रख सकते हैं एंड वी कैन इवन हैंग दिस इन अलमीरा जस्ट ओकेशन के 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप आराम से इसको पहन सकते हो. मेकअप वगैरह कर लिया एंड यू कैन वेयर इट. सो दिस इज द थिंग. नाउ आई शो यू इसको यूज कैसे करना है. प्री ड्रेप के लिए जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई बी बैक. ओके, ये है प्री ड्रेप साड़ी. इसका मैंने क्या किया, ये प्लीज से वन मोर थिंग, बनारसी साड़ी हो या जो भी साड़ी हो उनको आप कभी भी पॉलिश के लिए मत दीजिए. पहनने के पहले हमेशा स्टीम प्रेस करवा लीजिए. स्टीम प्रेस करवाने के बाद आप इस ढंग से प्री ड्रेप कर सकते हैं. तो ये देखिए मैंने इसको प्री ड्रेप कर रखा है. अब इसको मैं एक स्टाइलिश तरीके से पहनूंगी. ये मेरे पास स्कर्ट है, नॉर्मल एक स्कर्ट मैंने लिया है, बेज कलर का स्कर्ट है नॉर्मल, और इसके ऊपर इस साड़ी को मैं ड्रेप करूँगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शोल्डर प्लीट बनाएंगे. तो ये मेरा शोल्डर प्लीट बना हुआ है, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है. इसको हम एंड लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे, यहाँ से प्लीट बनाएंगे. प्लीट बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे ये मैंने प्लीट बनाया, सेकेंड जो प्लीट लेंगे यहाँ से 1 इंच का गैप रखेंगे. यानी फर्स्ट जो प्लीट है, ये देखिए फर्स्ट जो हमारी प्लीट है इसमें से 2 फिंगर का हम गैप रखेंगे, और फिर इस ढंग से हम प्लीट्स बनाएंगे. अगर आपको ऐसा प्लीट बनाना नहीं आता है तो आप इसको नॉर्मली भी ऐसे बना सकते हो. ये देखिए नॉर्मल मैंने ऐसे लिया, इस ढंग से हम प्लीट्स बनाएंगे. जस्ट बिकॉज ये स्टीम प्रेस है, आप देखिए प्लीट्स आराम से फॉल कर दिए. टेस्ट करिए अच्छे से कि आपकी प्लीट्स बन के हो गई रेडी. यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने पिन आपको दिखाई मैं ये पिन यहाँ लगा दूंगी. ये देखिए इसको मैं शोल्डर में प्लेस करूँगी, और इसको अब हम अरेंज करेंगे इस ढंग से. इस ढंग से हम अरेंज करेंगे, हमारी प्लीट्स जगह से आ जाएंगी. ये देखिए फिर से मैंने अरेंज किया, प्लीट्स जगह से आ गई. तो ये मैं आज दिखा रही हूँ आपको सीधे पल्ले से. इसको आप इवन उल्टा पल्ला भी ले सकते हो. तो जब आप उल्टा पल्ला लो तो इसकी लेंथ जो है लंबी कर दीजिए, जितना लंबा आप कर सकते हो उतना लंबा. लंबा लेंथ करने से एक तो आप थिन लगते हो, दूसरा आप टॉल भी लगते हो. तो पीछे का जो प्लीट है वो हमेशा लंबा रखिए. फिलहाल मैं इसको आज फ्रंट का दिखा रही हूँ, इस ढंग से हम प्लेस करेंगे. तो मैंने इसको इस ढंग से लिया है, और ये नीचे का प्लीट अभी हम रहने, ये जो पिन लगाया है इसको हम रहने देंगे, लास्ट में हम इसको हटाएंगे. सो दिस इज माई फर्स्ट थिंग. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये साड़ी को हम ले लेंगे सामने की तरफ. इसमें बड़ी 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 प्लीट हम पूरी साड़ी से बना लेंगे. ये देखिए एंड से जो लास्ट पार्ट है साड़ी का, ये मेरा साड़ी का लास्ट पार्ट है, इसमें मैंने एकदम बड़ी बड़ी प्लीट्स बना दी है. आपको दिख रहा होगा एकदम चौड़ी प्लीट्स और बड़ी प्लीट्स मैंने बनाई है. मैं इसको आपको बताती हूँ कैसे प्लीट्स बनानी है बड़ी. उल्टी साड़ी में पकड़ के दिखाती हुई देखिए, नॉर्मली हमें साड़ी लेनी है और एकदम बड़ी प्लीट्स बनानी है. ऐसे ऐसे आप थ्रो करो और फिर होल्ड करना है, ये हमारी बड़ी बड़ी प्लीट्स बन जाएंगी. ये देखिए तो इस ढंग से हमें ऐसे बड़ी बड़ी प्लीट्स बनानी है, इतनी चौड़ी प्लीट्स बनानी है. तो मैंने ये प्लीट्स बनाकर रेडी कर ली. बहुत ही ईजी है, इसको आपको इस ढंग से रेडी करना है, टेस्ट करना है नीचे अच्छे से. आप देखो सारी प्लीट्स जगह से आ जाएगी. हेवी बनारसी साड़ी होने के बावजूद इसमें सारी प्लीट्स जगह से आ गई. ओनली द रीजन इज हमने इसको स्टीम प्रेस किया और अच्छे से डस्ट कर लिया प्लीट्स बनाने के बाद. इसको अब आप प्री ड्रेप कैसे करोगे, इसको इस ढंग से हम पकड़ेंगे, ये शोल्डर प्लीट इसके ऊपर रखेंगे
और फिर इसको एक हैंगर में हैंग कर देंगे। तो हमारी प्री ड्रेप हो गई है। आई होप ये सबको समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। सो इसको अब हम आपको ड्रेप करके बताते हैं कैसे ड्रेप करना है। तो फर्स्ट मैं इसको फ्रंट प्लीट ले रही हूँ, ओके, फ्रंट प्लीट में। एंड नाउ मैंने फ्रंट थोड़ा सा लंबा रखा है, क्यों रखा है वो भी आपको बताती हूँ। ये जो मैंने लिया है, जिसको मैंने पिन कर लिया है, इसको मैं ऐसे बैक में लूंगी, एकदम मिडल में, एकदम मिडल में लूंगी मैं ऐसे, और इसको ऐसे टकिंग कर देंगे हम। हाथ से थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लीजिए ताकि बल्ज ना हो। तो हमने ये टकिंग कर दिया। नाउ आप देख रहे हो इसको आराम से टकिंग, मैं एक बार घूम के दिखाती हूँ आपको। इसको हमने टकिंग कर दिया है, एकदम सेंटर में टकिंग किया है। अब इसका पोर्शन, हम लास्ट वाला जो पोर्शन था जहाँ हम फॉल लगाते हैं, ये वाला जो पोर्शन जहाँ फॉल लगता है, इसको आगे लाएंगे और बॉर्डर के साथ छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। आप देखिए ये फॉल वाला पोर्शन मैंने आगे लाया और मैं इसका इस ढंग से, मतलब इसको अंदर की तरफ हम प्लीट करेंगे। ये देखिए टिल एंड मैंने प्लीट कर लिया, इसको आगे की तरफ खींचेंगे और मैं ऐसे आगे की तरफ जस्ट नियर अब नेवल पॉइंट मैं इसको लगा लूंगी और बाकी एकदम प्लेन करते हुए मैं इसको टकिंग कर लूंगी। सो आई शो यू हाउ इट लुक्स। ये देखिए, ओके। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। सिंपल, मैं यहां का नीचे का पिन निकाल दे रही हूं, ये देखिए सिंपल, मैं यहां पे पिन लगा लूंगी यहां पे। अगर आपको बस्ट नहीं दिखाना है, थोड़ा सा आगे करके यहां पिन लगा लीजिए स्कर्ट में, जस्ट बिकॉज ये ऐसे ही अच्छा लगता है। हम प्लीट्स को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, ओके। ये देखिए मैंने प्लीट्स को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, आपको दिख रहा होगा सारे प्लीट्स को अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया है। और यहां पे हम लगा लेंगे एक बेल्ट, आप इवन चौड़ी बेल्ट, अगर आपके पास डिफरेंट काइंड की साड़ी है तो आप इवन चौड़ी बेल्ट भी लगा सकते हो। मैं आज ये गोल्डन एंड कॉपर बेल्ट है मेरे पास, उसको यूज ले रही हूं। थोड़ा सा इसको और हम अलाइन कर लेंगे, आई होप आई एम क्लियर टू यू। सो दिस इज माय फर्स्ट लुक, मैं आपको घूम के भी दिखाती हूं। इट्स डन। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, आप अगर बेल्ट नहीं लगाना चाहो तो बेल्ट को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर इसी साड़ी को आपको उल्टा पल्ला लेना है, आप इवन एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, उल्टा पल्ला भी ले सकते हो। यहाँ पे हम एक काउल बना लेंगे, ये हमारा थोड़ा सा इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, तो हमने इसको उल्टा पल्ला भी ले लिया, सीधा पल्ला भी लिया। उल्टा पल्ला अगर आप लेते हो, ये वाला पोर्शन आगे लाएंगे, इसको इस ढंग से हम बैंगल में डालकर यहां पिन लगा लेंगे। सो तो जब आप शादी में और में जाओ तो ये पिन आपका लग गया है बैंगल में, एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट, स्टाइलिश, एकदम डिफरेंट। आई होप सभी को क्लियर है ये।
मैसेज में बार चेक कर लेते हैं किसी को कोई डाउट हो तो. मीनाक्षी जी, इफ देर इज एनी डाउट प्लीज आप मेरे को कॉल कर लीजिए और बता दीजिए. मैंने शोल्डर पिन लगाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे पिन कितनी लगानी है वो बता देती हूँ. एक शोल्डर में लगेगी. अगर आप अनकंफर्टेबल हो, आपको डाउट है कि भाई मेरा खुल सकता है, तो एक यहाँ लगानी है. अदरवाइज कहीं पे भी पिन लगाने की जरूरत नहीं है. कोई क्वेश्चन? कहीं पे भी पिन लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. सो दैट वॉज आवर फर्स्ट चाइल्ड. सेम चीज को आप इवन डेनिम में भी पहन सकते हो. मैंने स्कर्ट पे पहन के दिखाया आपको, इसी को आप सेम चीज को आप डेनिम पे भी पहन सकते हो. डेनिम जनरली थोड़ी सी अगर वर्क की भी रहे, पर्ल बनी भी रहे वन लेग में, तो शादी या पार्टी वेयर या वेस्टर्न वेयर के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. पर्ल हो जाता है या कोई वर्क हो जाता है, इवन जो तारी वाले वर्क होते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है. तो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. जस्ट वन सेकेंड. नाउ अब हम जाएंगे हमारा दूसरा ट्रिप के लिए. ये देखिए, इसको भी मैंने प्री ड्रेप करके रखा हुआ है. ये साड़ी मैंने आपको जानबूझ के बनारसी साड़ी दिखा रही हूँ. कांजीवरम, पहले वाला कांजीवरम था, बनारसी था, ताकि आपको लगे कि कितना इजी है पहनने के लिए. सो अभी साड़ी को भी मैंने प्री ड्रेप करके रखा है. सेम वे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप शोल्डर का जो है मेजरमेंट कर लेंगे कि आपकी शोल्डर में पीछे का लेंथ कितनी जरूरत है. जैसे मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो मैंने सबसे पहले शोल्डर प्लीट बनाई है. उसमें भी मैंने सबसे पहले शोल्डर प्लीट बनाई थी. ये मैंने शोल्डर प्लीट बनाई है और इसको अब हम थोड़ा सा और लंबा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने से बैक में मैंने कहा सबको कि थोड़ा सा बैक लंबा करिए और फ्रंट जो है नी तक होना चाहिए. ये तो बैक आप इतना लंबा लेंथ करिए, बैक का लेंथ कोशिश करके जितना लंबा हो सके. आई शो यू जस्ट वन सेकेंड. बैक का लेंथ हमें इतना लंबा करना है, उससे आप टॉल भी लगते हो, स्लिम भी लगते हो. एंड अब इसको आपको पहन के दिखाते हैं, कैसे स्टाइल बनाएंगे वो दिखा रही हूं मैं आपको. पहले हम शोल्डर में लगाएंगे, यहाँ पे हम प्लीट कर लेंगे और करके यहाँ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए. उसके बाद हम इसको घुमा के फ्रंट लाएंगे. ये देखिए, मैं फ्रंट में ले आई हूँ. ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है जहाँ नीचे फॉल लगता है, ये वो पोर्शन है. वन हैंड जितना, यानी एक हाथ जितना मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी. ये देखिए, मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया वन हैंड जितना. अब ये जो मेरा स्कर्ट है या लहंगे के ऊपर, इसको हम ड्रेप करेंगे. अगर आपके लहंगे में बॉर्डर है तो बॉर्डर का पोर्शन छोड़ते हुए साड़ी को ऊपर ड्रेप करेंगे, लेकिन अगर जैसे कि मेरा प्लेन है तो मैं एकदम नीचे से ड्रेप करना शुरू करूंगी. तो ये मैंने इसको इस ढंग से लिया, इसको अंदर की तरफ टकिंग करेंगे. ध्यान रखना है एकदम प्लेन कर लेना है, नहीं तो बल्जी हो जाएगा और लुक अच्छा नहीं आएगा. तो एकदम अच्छे से स्मूथ कर लीजिए. तो ये मेरा फर्स्ट टकिंग हुआ. नेक्स्ट इसी को फिर से मैं आगे लाऊंगी. करीबन वन हैंड का गैप छोड़ते हुए इसको फिर से मैं टकिंग कर लूंगी. ये देखिए, इसको फिर से मैंने टकिंग कर लिया है. बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम स्मूथ कर लेना है सभी साइड से, नहीं तो बल्जिंग हो जाएगा जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है. और फिर इसमें हम थर्ड, जनरली इसमें 3 to 4 टकिंग होती है. अब इसमें मैं थर्ड लेंगे, फिर से वन हैंड का गैप और इसको अब हम इन कर लेंगे. ये हमारा
अच्छे से हमने स्मूथली इसको अंदर कर लिया। सो नाउ अब इसको हम बैलेंस करेंगे, सभी को स्ट्रेट अलाइन करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे प्लीट्स को। ओके और ये हमारा सेकेंड लुक, मैं आपको घूमकर दिखाती हूं। ये देखिए एकदम स्मूथली, कहीं पे भी ज्यादा फूला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमारा एक कर्ल हो गया है, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक कर्ल बन गया है जो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये कर्ल नहीं चाहिए देन आप इसको आगे करके, ये देखिए इसको हमको प्लेन कर लेना है और इसको आगे ढंग के ऐसे हम पिन कर लेंगे, इस साइड हम पिन कर लेंगे अगर हमें ये काउल नहीं चाहिए देन। और काउल होता है तो एज इट इज बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको इसकी भी पिक भेजती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे काउल नहीं बनाया है, इसको टक इन कर दिया पीछे की तरफ। ओके यहाँ पे भी आप बेल्ट का यूज कर सकते हो। एक बार मैं आपको काउल वाला ही दिखाती हूँ जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ट्रेंड में भी है। ये देखिए काउल वाला है और यहाँ पे आप बेल्ट भी लगा सकते हो और इसको इस ढंग से फ्रंट पे लाकर इवन आप अपने बैंगल में भी डाल सकते हो। ओके और अगर इसको हम फ्रंट पल्लू लेते हैं सेम चीज को तो वो भी अच्छा लगता है। आई जस्ट शो यू, ये हमारा फ्रंट, सेम चीज को सेम टाइप को आप बहुत डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं। ये हमने फ्रंट में लिया, इन सबको अच्छे से हम यहाँ पे आप बेल्ट भी लगा सकते हो और आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो। सो आ सेकेंड स्टाइल, इसी में मैंने काफी स्टाइल आपको दिखा दिया कि फ्रंट पल्लू बैक पल्लू दोनों आप कैसे यूज कर सकते हो। नाउ वी गो फॉर आर थर्ड स्टाइल, जब भी आप जॉर्जेट की साड़ी यूज करो कोशिश करके इस टाइप का हैंगर आप लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ हैंगर कैसा होता है, इस टाइप के हैंगर को यूज करिए। इसमें एक लॉक होता है, ये इससे हमारी साड़ी अच्छे से होल्ड हुई भी रहती है और साड़ी गिरती नहीं है। तो कोशिश करके जॉर्जेट सिफोन नेट जो हेवी साड़ीज है उनके लिए इस टाइप का हैंगर यूज करिए। ये देखिए ये भी प्री ड्रेप करके रखा है मैंने, इतना हेवी इसका बॉर्डर है, आप चेक करो बॉर्डर्स बहुत ज्यादा हेवी है। प्री ड्रेप किया हुआ है, इसको मैं दिखा रही हूं आपको सेमी बंगाली स्टाइल में, बहुत ही एलिगेंट लगता है इसमें। सो ये मैंने शोल्डर प्लीट बना के रखी है, इसकी भी हमेशा शोल्डर प्लीट पहले से बना के रखिए, इजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर प्लीट लगा ली इस शोल्डर में। ओके वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आपके बॉर्डर्स जो है हेवी वाला हो देन क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत हेवी बॉर्डर है मेरा और हेवी बॉर्डर में सारी पिंस नहीं आती है, तब हमें क्या करना है। ये हेवी बॉर्डर्स में जो बॉटम का पोर्शन है, मतलब पहले आप पिन लगा लीजिए सारे पल्लू में, पूरी पल्लू में अच्छे से प्लीट में पिन लगा लेना है। फिर जो बॉटम वाला पल्लू है ये एकदम नीचे वाला, उसको हम ब्लाउज के साथ टक करेंगे। यानी ब्लाउज के साथ हम टक कर रहे हैं सिर्फ इसको, बेस को,
बेस को हमने ब्लाउज के साथ टक किया है, पूरे बॉर्डर को नहीं किया, पूरे प्लीट्स को नहीं किया है। ये देखिए, फिर भी ये गिरेगा नहीं, ये अपना एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। यानी मैंने सिर्फ बॉटम वाले को टक किया है, बाकी सारे को एज इट इज ही रहने दिया है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ उल्टा पल्ला में कैसे पहनना है। सेम तरीके से पहनेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, बाय द टिल देन मैं ये दिखा देती हूँ। अब इसको क्या करेंगे, इस ढंग से मैं आगे की तरफ ले आऊंगी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि इसको उल्टा पल्ला आपको दिखाना है। सो ये पल्लू को अब हम रख देंगे कोई चेयर के ऊपर। ये हमारी स्टार्टिंग है साड़ी की, जहाँ फॉल लगता है उसको हम ऐसे टकिंग करेंगे, ऐसे टकिंग करेंगे लहंगे के ऊपर, स्कर्ट के ऊपर, किसी के ऊपर भी आप कर सकते हो। एक राउंड लगाएंगे, आप इवन नॉर्मल पेटीकोट के ऊपर भी इनको पहन सकते हो इसी तरीके से। एक राउंड लगाया मैंने, ये मैं प्लीट्स बना के रखी हूँ, कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम छोड़ देंगे ऐसे, तो मैंने एक राउंड लिया है यहाँ पे, ये राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी हमारे नेवल पॉइंट से आगे, क्योंकि हम सेमी बंगाली पहन रहे हैं। और अब इसको जो हमने प्लीट बनाई है, उसको इस ढंग से टकिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने जो प्लीट बनाई है इसको इस शोल्डर में हम डाल देंगे, यानी लेफ्ट शोल्डर में पिन लगा लेंगे सिर्फ नीचे में, क्योंकि हेवी बॉर्डर है, कई बार पिन में नहीं जाती है। एंड नाउ व्हाट विल वी डू, यहां से हम यहां तक ले आएंगे साड़ी को टाइट यहां तक, और सारी प्लीट्स बना लेंगे। हम इतनी प्लीट्स बनाएंगे कि इतना सा काउल जो है छूटेगा। सारी प्लीट्स बनाकर डस्ट करिए हार्ड, डस्ट हार्ड करने से सारी प्लीट्स जो है जगह में आ जाएगी। इसको अच्छे से हम डस्ट करेंगे और इसको अब हम टकिंग कर देंगे। ये देखिए, इसको अब हमने टकिंग कर लिया, तो ये हमारी दूसरी स्टाइल है। इसको एक और तरीके से हम, अब इस स्लीव्स को हम अरेंज करेंगे। एंड इस पोर्शन को ऐसे हम यहां पे पिन लगा लेंगे। ये देखिए, मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूं इसका, इतना अच्छा इसका लुक आता है, पूरा बॉर्डर अच्छे से दिखता है, लुक भी बहुत सुंदर आता है। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे इसका। इसको एक और स्टाइल से कैसे पहनना है, ये जो हमने यहाँ पे टकिंग किया है इसको हम खींचेंगे और ऐसे पीछे की तरफ यहाँ, यानी पेटीकोट के ऊपर या लहंगे के ऊपर हम पिन लगा देंगे। एंड ये वाला पोर्शन हाथ में भी ले सकते हो, या इसका ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। फिर से दिखाती हूँ ट्रायंगल कैसे बनाना है। इसको लेंगे, कोने को लेके ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स बना लेंगे एंड हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। मैं इसको पिन लगा के आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर लुक आ रहा है, हमारा बॉर्डर भी कितने अच्छे से दिख रहा है।
आप देख सकते हो, और आप एकदम फ्री भी रहते हो। अगर आप चाहो तो इस पिन को हटाकर इवन हैंड भी लगा सकते हो, जो इक्वली अच्छा लगता है, थोड़ा फैशनेबल लगता है। सो दिस इज आवर थर्ड स्टाइल, थर्ड फोर्थ आई डिडंट काउंट, बट इसमें काफी सारा स्टाइल में एक में बता दी आपको। नाउ एक और मॉडर्न लुक का दिखा रही हूँ, जो आप डेनिम के ऊपर किसी पर भी पहन सकते हो। दैट विल बी आवर लास्ट स्टाइल। आप देख सकते हो ये मेरे पास सब्यसाची की साड़ी है, जिसको मैंने इस ढंग से हैंगर में लगा रखा है। ये बिल्कुल नहीं हिलती है और एकदम प्रॉपरली रहता है। हम इस साड़ी को लेंगे, ये प्रिंटेड साड़ी है। यूजुअली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इवन हम भी पहन सकते, एवरीबडी कैन वेयर। तो क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट में आ जाएंगे, ये फर्स्ट, और इसका ऐसे नॉट बना देंगे। एक छोटा सा नॉट हमें बनाना है, इसको इस शोल्डर में हम डालेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको दूसरे छोर में आ जाऊंगी। ये मैंने दूसरे छोर में आ गई, यहां पे भी मैं नॉट बना लूंगी। छोटे नॉट बनाने हैं, ये देखिए इस ढंग से नॉट बनाकर इसको सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कर सकते हो दोनों तरफ, ताकि ये हिले नहीं। अब हमें क्या करना है, हम मेजर करेंगे यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, यहां से हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। हमारा थोड़ी बड़ी प्लीट्स बनाएंगे, ये देखिए यहां से हमने मेजर कर लिया कि हमारा सेंटर पॉइंट कितना जा रहा है, और अब इसका हम प्लीट बनाएंगे। प्लीट बनाना बहुत इजी है, ये देखिए मैं ऐसे बड़ी बड़ी प्लीट्स भी बना रही हूँ आराम से, थ्रो एंड होल्ड मेथड से। इसमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। आप नॉर्मल, आपके पास जो टावल रुमाल जो भी है, स्कार्फ, उनसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आराम से ये हो जाएगा। पूरी साड़ी में हमें ये जो है इस ढंग से प्लीट बना के रेडी कर लेनी है। मैं एंड तक इसको बना लूंगी, उस साइड के एंड तक, और यहाँ पे आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। ये देखिए इसको हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, ताकि जस्ट बिकॉज ये शिफॉन है कई बार फिसल सकती है, तो सेफ्टी पिन से हमने सिक्योर कर लिया। इसको अब हम सेंटर में, एकदम सेंटर में हम टकिंग कर लेंगे। और ये जो हमने सामने का पोर्शन लिया है, इसको भी फ्रंट पे लाएंगे और एक बेल्ट लगा देंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल बेल्ट हो, आप इसमें इवन वो जो लेदर बेल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा लगता लगाया हुआ, आप वो भी लगा सकते हो। फॉल वाले पोर्शन को टर्न कर लेना है यहाँ, एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए इफ यू वांट सिक्योर करने के लिए, ताकि ये हिले नहीं। अंदर की तरफ हम सेफ्टी पिन लगाएंगे, एंड नाउ ये हम बेल्ट लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने बेल्ट लगा लिया। सो आई होप
आप सबको ये स्टाइल्स बहुत अच्छी लगी हो। मैं इन बिटवीन आपको एक दो बातें और बता देती हूँ जिससे आपकी साड़ी बहुत इजी हो जाएगा पहनना। जनरली जब प्लीट्स बनाते हैं सभी को प्रॉब्लम होती है कि हमारी प्लीट्स जो है प्रॉपर बन नहीं रही है या साड़ी में बहुत ज़्यादा कड़क है, तो क्या करें? कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या है। फास्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, ये क्या है, किसको क्या पता ये क्या है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए ये क्या है। आया कुछ? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए ये है क्या मेरे हाथ में। यस राइट, किसने रिप्लाई किया? जस्ट वन सेकेंड। फर्स्ट रिप्लाई आयरन स्ट्रेटनर शर्मिला जी जैन, बिल्कुल सही कहा आपने शर्मिला जी, या हेयर स्ट्रेटनर है, हेयर आयरनिंग हेयर स्ट्रेटनर है। जब भी आप प्लीट्स बनाओ, वन सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने प्लीट्स बना ली। सपोज आपके प्लीट्स साड़ी जो है बहुत कड़क है, जो डोरिया की साड़ी होती है जो बहुत कड़क होती है, उसे हम क्या करें? ये आप ऐसे प्लीट्स बना लीजिए, इसको हम गर्म करेंगे और इसको इस ढंग से आप अपनी प्लीट्स को एकदम प्लेस में ला सकते हो। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव साड़ी में भी आप कर सकते हो। इवन जो हम नीचे की प्लीट करते हैं उसको भी कर सकते हो। जितनी हीट हमारे हेयर में हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, मतलब बहुत हाई हीट नहीं लगाना है, नॉर्मल हीट हम यूज़ करते हैं उतना आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इससे हमारी साड़ी की जितनी भी प्लीट्स है, डोरिया की साड़ी जो हम पहनते हैं जनरली, जब हम जैनियों में फेस्टिवल के टाइम जब महाराज के जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, हम वो कॉटन वाली साड़ी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। नाउ कई बार साड़ी बहुत ज़्यादा कड़प पली हो जाती है, तो क्या करें? नॉर्मल एक बॉटल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, जो हेयर स्प्रे काइंड का बॉटल होता है ना वो, और हल्का सा साड़ी में स्प्रे करोगे नीचे की तरफ, प्लीट्स आराम से फॉल कर जाएगी। बहुत ही इजी छोटे छोटे टिप्स है जिससे हमारी साड़ी बहुत इजीली आराम से फॉल कर सकती है एकदम राइट प्लेस में। डस्ट अच्छे से करिए साड़ी पहनने के पहले, स्टीम आयरन करवा के उसको रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी साड़ी एकदम आराम से प्लेस में फॉल करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके अगर कोई क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं सबको रिप्लाई करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप प्लीज़ मेवाड़ सखी को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। जो जितना शेयर करेगा और मेरे को, मेवाड़ सखी को और अपने फ्रेंड्स को टैग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो टैग करेंगे उनके लिए हमारे दो जन को हम देंगे गिफ्ट वाउचर। लास्ट डे है फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को हमारा फाइनल डिसीजन मेवाड़ सखी टीम आपको बताएगी। तो फ्राइडे के पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टैग करना है वीडियो को, और आपको मेवाड़ सखी को टैग करना है, मेरे को टैग करना है, और जितने आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनको टैग करना है। हाईएस्ट टैग करने वाले को, हाईएस्ट लाइक्स वाले को हम दे रहे हैं गिफ्ट वाउचर्स, पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। सेकेंड ऑफ ऑल, आज आपको मैंने काफ़ी टिप्स दिखाए, काफ़ी साड़ी के स्टाइल्स बताए हैं। जो भी स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो उसे आप पहनकर एक अच्छी सी क्लिक भेजिए मेवाड़ सखी पर। बेस्ट टू को हम देंगे सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बहुत ही वैल्यूएबल है, ये आपको भी पता है, तो ज़रूर ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। मेरा फूड चैनल है फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया, प्योर वेजिटेरियन मल्टी कुजिन वेजिटेरियन चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया। यूट्यूब में साड़ी ड्रेपिंग का चैनल है द ड्रेप स्टोरी बाय कविता बरेडिया। मेवाड़ सखी आपको सारा लिंक आगे दे देगी। आपको अगर अच्छा लगे, इफ़ यू फील माई चैनल इज़ वर्थ
अगर आपको लगे मेरी रेसिपी अच्छी है, मेरी साड़ी ड्रेपिंग अच्छी है, देन ओनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे से आगे हमें अपनी वेजिटेरियन रेसिपी को फॉरवर्ड करनी है और हमें ये जो साड़ी है, हमारी कल्चर है, हेरिटेज है, वो आगे से आगे लोगों को बताना है और उन्हें भी प्रोत्साहन देना है पहनने के लिए। प्लीज़ अपने घर में अपनी बेटियों को भी पहनाइए, बहुओं को भी पहनाइए, कंपल्सरी नहीं करना है, नथिंग शुड बी कंपल्सरी। सब ऑल टाइप ऑफ गहने हम पहनेंगे, बट ऑल टाइप ऑफ साड़ी हम पहनते हैं, हम सब पहनेंगे, लेकिन हम कुछ भी ड्रेसेस पहनो, आप वेस्टर्न पहनो, आप सलवार सूट पहनो, बट साड़ी को मत भूलो। ये एक ऐसा अटायर है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो प्लीज वेयर साड़ीज, प्लीज प्लीज वेयर साड़ी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इन बिटवीन, अगर कोई क्वेश्चन हो, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ऑर्गेन्जा की साड़ी की प्लीट इजीली बैठाने के लिए मैंने आपको ये आयरनिंग का बताया है, इससे आराम से बैठ जाएगा। एक और टिप है कि ऑर्गेन्जा साड़ी को हमेशा पहले स्टीम प्रेस करिए, फिर उसमें प्लीट्स बनाइए। दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको ये बताई है, ये पिंस को यूज़ ज़रूर करिए उस साड़ी में, ये बहुत अच्छे से फॉल करेगा। आई होप दिव्या जी मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर किया है प्रॉपरली। तो ऑर्गेन्जा साड़ी के लिए मैंने आपको बता दिया है, नंबर वन आप आयरनिंग मशीन यूज़ कर सकते हो, नंबर टू ये क्लिप्स ज़रूर यूज़ करिए। जनरली ऑर्गेन्जा साड़ी में फॉल का जो पोर्शन है वहीं पे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप जब पूरी साड़ी टक इन करते हो, फॉल के पोर्शन में फिर से टक इन करके उसको आयरनिंग मशीन से आप करिए, तो आराम से ऑर्गेन्जा साड़ी आपकी फॉल इन कर जाएगी। और मेरे को यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं दिख रही है। पूजा जी, कुसुम जी, काफ़ी जनों ने रिप्लाई किया, किशोरी जी आप सब ने सही कहा कि ये हेयर स्ट्रेटनर है। मेरे को अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, बट इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस आप इसमें डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप सबको आंसर बैक करने के लिए। थैंक यू शर्मिला जी क्रॉप टॉप के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी साड़ीज़ आप जो भी पहनो, आप उसमें लॉन्ग ब्लाउजेज़ अभी बहुत ट्रेंड में हैं, बैक में आप डिज़ाइन कर लो थोड़ा सा ओपन टाइप में, बट लॉन्ग ब्लाउजेज़ पहनिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ब्लाउज़ जो बनाएं उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करिए। ये जो ब्लाउज़ का इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अच्छा है होता है, इससे हमारी साड़ी बहुत डिज़ाइनर होती है, बहुत एक्सक्लूसिव लुक आती है। तो कोशिश करके ब्लाउज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। हेवी ब्लाउज़ जैसे मैंने इसको पहना है, आपको मैंने दिखाया है, इसमें मैं प्लेन जॉर्जेट में, प्लेन शिफॉन में पहना मैंने, प्रिंटेड शिफॉन में। साड़ी के कलर्स आपने देखा, मैंने ग्रे, ब्लू, रेड यूज़ किया। तो इसी तरीके से आप मल्टी यूज़ कर सकते हो, कुछ हेवी ब्लाउजेस आप बनवाइए और उसके ऊपर यूज़ करिए। वन मोर लास्ट थिंग, आज जो मैंने साड़ी स्टाइल आपको बताई है, इन सब में आप दुपट्टे को भी यूज़ करिए। सपोज आप बनारसी साड़ी पहन रहे हो तो बनारसी दुपट्टा मत यूज़ करिएगा, यूज़ सम वर्क दुपट्टा। और अगर आप वर्क की साड़ी पहन रहे हो तो उसमें आप बनारसी, कांजीबरम, जो भी दुपट्टा आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। मिक्स एंड मैच करके पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा एंड डिफरेंट भी लगेगा। जो भी स्टाइल आज मैंने आपको बताई है, सेमी बंगाली को छोड़कर, सारे स्टाइल को आप डेनिम पर भी पहन सकते हो, गाउन पे पहन सकते हो। अब क्वेश्चन आता है गाउन पे कैसे पहनेंगे। गाउन पे पहनने के लिए जो बेल्ट होती है, जो हम जीन्स में डालते हैं बेल्ट, जिसमें होल रहता है, उस बेल्ट को बांध लीजिए और उसके अंदर हम साड़ी को टक करेंगे। तो आज जितनी स्टाइल मैंने बताई है उनको आप गाउन्स में डाल सकते हो, उसको आप डेनिम पे भी पहन सकते हो, हेवी लहंगे पे पहन सकते हो, पूरी साड़ी आप हेवी लहंगे में। तो जिनकी शादी 20 साल पहले, 15 साल, 16 साल पहले हुई है, उस टाइम में टिशू के लहंगे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। आप आराम से टिशू के लहंगे निकालिए और उन पे इन साड़ीज़ को ड्रेप करिए। टिशू के लहंगे पे सब साड़ियाँ बहुत अच्छी जाती है। इवन गीचा को भी आप पहन सकते हो, बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। मतलब जो ट्रेडिशनल गीचा होता है जिसमें बॉर्डर्स होते हैं, हेवी लाइक सिंपल एंड सोबर साड़ी है, उसको आप यूज़ करिए, बहुत ही बढ़िया लुक एंड डिफरेंट लुक आता है।
So these are the tips that I was supposed to give you all, and that's all from my side. अगर आप कोई दिल्ली में हो तो मैं इवन साड़ी ड्रेपिंग, वार्डरोब, ग्रूम मैनेजमेंट के ऊपर भी क्लासेस देती हूँ. तो यू कैन गेट इन टच विद मी. मीनाक्षी जी एंड मेवाड़ सखी विल गिव यू द कॉन्टैक्ट नंबर इफ रिक्वायर्ड. यू कैन गेट इन टच विद देम. तो जिसके अंदर जो न्यूली वेडिंग होने वाली लड़कियाँ होती है या बहुएँ होती हैं, उनको साड़ी बेसिक से स्टार्ट करते हुए डिज़ाइनर तरीके से पहनना और वार्डरोब को कैसे अच्छे से मैनेज करें कि भाई खोलते ही सब कुछ आराम से दिख जाए, कर जाए. स्किन केयर में कौन से कॉस्मेटिक्स हमें खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए. जनरली एक टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, जनरली जब हम कॉम्पैक्ट खरीदते हैं हम कुछ भी नहीं सोचते कि क्यों ले रहे. कॉम्पैक्ट लेने के पहले ये जो स्किन है हमारी, इसके ऊपर कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन को अप्लाई करिए. यहाँ पर जो मर्ज कर जाता है वही फाउंडेशन और वही कॉम्पैक्ट आप लीजिए. जो बहुत ज़्यादा वाइटिश दिखा देता है वो कॉम्पैक्ट मत लीजिए. सिमिलरली कौन से लिपस्टिक लेनी है, कैसी लेनी है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी आई टीच. सो यू कैन गेट इन टच विथ मी. मेवाड़ सखी विल गिव यू माई कॉन्टैक्ट नंबर इफ रिक्वायर्ड. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एंड अभी कोविड का सिचुएशन है, घर में भी आप आराम से बहुत अच्छी क्विक एंड ईजी रेसिपीज दिया है मैंने कि आप घर में आराम से अपना कुकिंग कर सकते हो. तो फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया में आप सब्सक्राइब कर सकते हो. द ड्रिप स्टोरी बाय कविता बरेडिया आप देख सकते हो यूट्यूब में. सो अपनी फोटोज जरूर भेजिएगा. फोटोज भेजने के लिए वेडनेसडे इज द लास्ट डे. और ये वीडियो को आप टैग करके मेरे को और मेवाड़ सखी को टैग करते हुए बाकी जितने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हो, हाईएस्ट टैगिंग एंड हाईएस्ट लाइक्स को मिलेंगे गिफ्ट वाउचर पेटीएम का, और सर्टिफिकेट मिलेंगे दो जन विनर को जो अच्छे से साड़ी ड्रेप की हुई अपनी फोटो भेजेगी. तो कंपटीशन स्टार्ट है, गेट सेट गो. आई एम श्योर आज इतने जन जुड़े हैं एंड सब बहुत अच्छे से अपनी पिक्स जरूर भेजेंगे एंड इन वीडियो को जरूर शेयर करेंगे. सो फ्रेंड्स, आई टेक योर लीव एंड आई एम ग्लैड कि आई वॉज योर पार्ट ऑफ दिस मेवाड़ सखी. I'm honored to be part of this Mewar Sakhi. Milte hain aap se fir se. Till then, bye bye. Thank you.